तो यूपी टेट 2021 का पर्चा लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई है और इसके बाद छात्रों का गुस्सा बढ़ गया है। बता दें कि फतेहपुर में परीक्षा केंद्र से बाहर निकले छात्र कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है, उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई है। उनका कहना है कि सरकार अगर परीक्षा की सुरक्षा नहीं कर सकती तो नौकरी की गारंटी क्या देगी। लीक हो गया है तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों का मतलब टाइम और भविष्य की बात है कि ये था कि इलेक्शन है, एक तो वैसे भी वैकेंसियां नहीं निकलती हैं और इलेक्शन की वजह से ये था कि हमें एक मौका मिला हुआ है, वो चीज़ भी अगर आज ये निरस्त हो गया है तो अब देखा जाए इलेक्शन है तो फिर अभी तो आगे कुछ कहा नहीं जा सकता कि अब कब क्या कब एग्जाम होता है। पर हमारे जनपद में आउट नहीं हुआ है, हमारे जनपद में पेपर पुलिस अभिरक्षा में सभी केंद्रों में भेज दिए गए थे और परीक्षा भी सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई थी, लेकिन जब शासन से एक मैसेज प्राप्त हुआ तो परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं और तो इसके बाद उनकी उत्तर पुस्तिकाएँ और ओनर सीट वापस ले ली गई है और उनको बच्चों को अगली तिथि के बारे में बता दिया गया है कि जब अगली तिथि घोषित की जाएगी शासन के द्वारा विभाग के द्वारा तब परीक्षाएं होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।